जाखड़ का कांग्रेस को अलविदा। पंजाब कांग्रेस के एक कद्दावर नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी को अलविदा कह दिया। इससे पहले जाखड़ ने सोशल मीडिया के अपने सभी अकाउंट्स के बायो से कांग्रेस से जुड़ा पर्चा हटा दिया। कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के लिए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को पार्टी के सभी पदों से हटाने का फैसला किया था और तभी से जाखड़ नाराज चल रहे थे। बता दें कि जाखड़ की गिनती पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती थी और एक समय वह मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे। जाखड़ ने कहा कि अच्छी मानसिकता वाले लोग कांग्रेस में ऊंचे पदों पर बैठे हैं। कांग्रेस को बीएसपी की तरह पेश करना एक गलती थी, यही हिंदुत्व की राजनीति के भी साथ है। लोग सोचते हैं कि यदि हमें धर्म के आधार पर ही वोट देना है तो कांग्रेस को वोट क्यों दें। अंबिका सोनी ने 1970 में कहा था कि जब कांग्रेस को अपने लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग गई थी। आज मेरे पास कोई पद नहीं है लेकिन विचारधारा है। बता दें कि जाखड़ पिछले कुछ समय से बागी रुख अपनाए हुए हैं और कांग्रेस हाईकमान से नाराज चल रहे थे। अपने खिलाफ कार्रवाई की खबरों पर जाखड़ ने कहा था कि जिसके पास अभी भी जमीर है उसे सजा मिलेगी। कांग्रेस अनुशासन समिति ने 11 अप्रैल को जाखड़ को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताया और नोटिस जारी किया था और एक हफ्ते के भीतर जवाब देने को भी कहा था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वह कोई जवाब नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, SMZ न्यूज़ इंडिया।